यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट सुभदा राव का कहना है कि सरकार डीमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल आरबीआई के खाते पर चल रहे अपने कर्ज का एक हिस्सा निपटाने में कर सकती है। हमारे हिसाब से इससे सरकार की देनदारी 2 लाख करोड़ रुपए घट जाएगी और उसके सिर्फ ब्याज में 160 से 170 अरब रुपए की कमी आएगी। इस तरह का सेटलमेंट एक ऑप्शन हो सकता है जो आरबीआई अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ गेन सरकार के खाते में ट्रांसफर करने के अलावा अपना सकता है। वह इसे डिविडेंड के तौर पर सरकार के हवाले भी कर सकता है, लेकिन घटी देनदारी के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट करने में आरबीआई को किस तरह के कानूनी दावपेंच का सामना करना पड़ेगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने हालिया रिसर्च में लिखा कि इस डील का मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए होना जरूरी नहीं है, यह आरबीआई के डेट मैनेजमेंट का हिस्सा हो सकता है और सरकार के साथ उसका आपसी ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर यह धीरे धीरे होता है तो इस पर मार्केट की तरफ से मामूली रिएक्शन होगा। कोटेक की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम पर बाजार की तरफ से खास रिएक्शन नहीं होगा। इससे आरबीआई के बैलेंस शीट के जरिए सरकार को कोई सीधा फिजिकल गेन भी नहीं होने वाला। इसके अलावा अपने बॉन्ड्स के रिडेम्पशन शेड्यूल को देखते हुए अगर सरकार 2 से 3 साल में अपना कर्ज घटाती है तो यह उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। ज्यादा टैक्स पेमेंट के साथ बेनामी पैसे के फॉर्मल चैनल में आने पर सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है। ऐसा होने पर उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। साथ ही सरकार के हालिया कदम से इंडियन इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ेगी, जिसका फायदा अगले साल से लागू होने वाली जीएसटी में होगा।